कहानी शुरू होती है चेन्नई शहर के एक छोटे से एरिया में, जहां पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है इरफान अहमद। इरफान की लाइफ बिल्कुल सिंपल सी होती है। ये केमिकल इंजीनियरिंग कर चुका है और फिलहाल किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यूज भी दे रहा होता है। और इरफान की माँ एक पुलिस स्टेशन में SI की तरह काम करती हैं। इसी बीच एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रार्थना है और वो लॉ की प्रैक्टिस करती है। इरफान जहाँ पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाता है, उससे कोई ना कोई एक सवाल जरूर पूछता है कि इरफान रिलीजियस है कि नहीं। इरफान इस सवाल से परेशान हो जाता है और वो काफी सारे इंटरव्यूज कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ गुनासेकरन कोलियप्पन नाम के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम करता है और वो मकबूल नाम के एक आदमी से मुलाकात करने के लिए जेल में आता है। मकबूल को ऑलरेडी फांसी की सजा हो चुकी है और उसे अगले एक घंटे में ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा क्योंकि वो एक टेररिस्ट है। मकबूल काफी दिनों से चुपचाप सा होता है और किसी से बात नहीं करता। इसके बावजूद गुना एक फाइनल पूछताछ के लिए उसके पास आता है और उससे वो अबू बकर अब्दुल्ला के बारे में पूछता है। मकबूल कुछ नहीं बोलता। गुना अबू बकर के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू करता है और मकबूल को उकसाने की कोशिश करता है। मकबूल तैश में आकर गुना को बताता है कि अबू बकर कायर नहीं है, वो एक ब्रेव तमिलियन है और तमिलनाडु को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए काम कर रहा है। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो मकबूल को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाने वाले होते हैं। गुना उससे आखिरी बार रिक्वेस्ट करता है कि कुछ और बता दे। मकबूल जाते जाते उसे एक पहेली देता है जो गुना को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसी बीच अबू बकर अपना फेस कवर करके एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें वो कहता है वो सारे साउथ इंडिया को कब्रिस्तान बना देगा। सारे न्यूज चैनल पर उसके वीडियोस को दिखाया जाता है। इरफान एक छोटी सी फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करता है जिसका मालिक पेरुमाल है। पेरुमाल उसे एक बिजनेस का ऑफर देता है और कहता है कि उस बिजनेस से उनका बहुत फायदा होगा। तभी उसका बेटा कार्तिक वहां आता है और पेरुमाल को बिजनेस डील्स के बारे में बताता है। फिर पेरुमाल कार्तिक और इरफान को कोयम्बटूर जाने को कहता है जहां पर वो दोनों डॉक्टर जाजी से मिलेंगे। दूसरी तरफ गुना पहेली को सुलझा लेता है और जब अपने बॉस चिदंबरम को ये बताने आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस कोच्ची गया है। वो भी कोच्ची की फ्लाइट लेकर वहां पहुंचता है और अनीशा से मिलता है जो उसे बताती है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय देवन वहां आया हुआ है और सारे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा है जिसमें चिदंबरम भी शामिल है। मीटिंग में सब अबू बकर के वीडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। गुना किसी तरह दिमाग लगाकर मीटिंग रूम में पहुंचता है और सबके सामने पहेली दोहराता है और फिर बताता है कि इसका मतलब श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में ईस्टर डे के दिन 8 जगहों पर अटैक होने वाला है। ये सुनते ही अजय सबको अलर्ट रहने और साथ ही श्रीलंका इंटेलिजेंस टीम को इन्फॉर्म करने को कहता है। इरफान जब घर आता है तो वो प्रार्थना को देखता है। वो इरफान की माँ से किसी केस के सिलसिले में बात करने को आई होती है। इरफान बताता है कि उसने पेरुमाल के साथ फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया है। अनीशा और गुना दोनों पिछले एक साल के सोशल मीडिया के स्टैट्स को एनालाइज करते हैं और ये पता चलता है कि इस पहेली से रिलेटेड बातें एक YouTube चैनल पर हुई हैं। गुना चैनल के ओनर थिरु कुमारन को गिरफ्तार कर लेता है और पूछताछ करना शुरू करता है। वो बताता है कि उसे ज्यादा नहीं पता, पर कुछ दिनों पहले कुछ लोग उसके पास आए थे सर्वर बनवाने के लिए और इसके लिए उसे 20 लाख रुपए भी मिले थे। इस सर्वर के जरिए कोई भी बिना सिम के कहीं भी बात कर सकता है और वो ये भी बताता है कि अगर वो सर्वर एक्टिव है तो वो फिर से उसे हैक कर सकता है। ये सुनते ही NIA वाले ये प्लान करते हैं कि कुमारन की मदद से ही उनका नेटवर्क हैक करेंगे और उनका लोकेशन पता करेंगे। इसी बीच कोलंबो में आतंकवादी ईस्टर डे पर 8 जगहों पर ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाते हैं।
अजय एक मीटिंग बुलाता है और सबको हाई अलर्ट पर रहने को बोलता है, क्योंकि आतंकवादियों का अगला टारगेट इंडिया है। कहानी आगे बढ़ती है और डॉक्टर अहमद जाजी और उसके बेटे रियाज को दिखाया जाता है। डॉक्टर जाजी एक टीचर है और उसकी एक केमिकल फैक्ट्री भी है। बातों ही बातों में ये पता चलता है कि रियाज आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाला है, और जाजी कहता है कि वो नहीं चाहता कि रियाज अपने बड़े भाई की तरह भटककर आइसिस ज्वाइन करे। दूसरी तरफ अजय और उसकी टीम को ये पता चलता है कि जाजी के स्कूल में श्रीलंका से कुछ फंड ट्रांसफर हुआ है। इनका शक अहमद जाजी पर जाता है और वो एक टीम को जाजी पर नजर रखने को बोलते हैं। गुना दो लोगों को साथ लेकर जाजी के घर के बाहर नजर रखना शुरू करता है। इसी बीच कार्तिक और इरफान कोयम्बटूर जाने के लिए बस में चढ़ते हैं और इरफान की नजर प्रार्थना पर पड़ती है। वो भी किसी काम से कोयम्बटूर जा रही होती है। इरफान उसके पास जाकर बैठता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इरफान बातों बातों में ही उसे अर्चना के बारे में बताता है, जिसे वो कॉलेज में मिला था, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पर दोनों के रास्ते अलग थे। अर्चना पढ़ाई खत्म करके दिल्ली वापस चली गई थी और दोनों अलग हो गए। इन्हीं बातों के दौरान बस कोयम्बटूर पहुंच जाती है। इरफान और कार्तिक जाजी से मिलते हैं और केमिकल की डील को फाइनल कर लेते हैं। गुना और उसकी टीम इनकी बातें सुन रहे होते हैं। डील फाइनल होते ही कार्तिक काम से मुंबई चला जाता है और इरफान को डिलीवरी पिक करने के लिए हैदराबाद जाने को बोलता है। एनआईए की टीम डिवाइड हो जाती है और अलग होकर सबका पीछा करने लगते हैं। कैथी, जो कि एनआईए की मेंबर है, वो वहीं पर पूछताछ करने लगती है। वहीं गुना इरफान का पीछा करता है। इरफान एक कंटेनर्स यार्ड में केमिकल्स की लिस्ट को चेक करता है और कंफर्म करके एयरपोर्ट की तरफ जाता है। गुना कैथी से सेम फ्लाइट पर टिकट करवाने को बोलता है। इरफान और गुना हैदराबाद पहुंचते हैं। इरफान फिर से एक कंटेनर यार्ड में जाकर केमिकल्स की लिस्ट चेक करता है और वहां से निकल जाता है। गुना अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। इसी बीच कैथी बताती है कि इरफान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर गुना उसका पीछा कर ही रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों चार मीनार की मार्केट में पहुंचते हैं, इरफान भीड़ में गायब हो जाता है। उसी शाम को इरफान चेन्नई जाने के लिए एयरपोर्ट जाता है और चेक इन के दौरान उसका फोन उसके पास नहीं होता। वो कंप्लेन करने जाता है, पर ऑफिसर्स बहुत आलसी होते हैं और उसमें उसे काफी वक्त लग जाता है। इसी बीच फ्लाइट टेक ऑफ की फाइनल अनाउंसमेंट हो जाती है। इरफान फॉर्म भरना छोड़कर फ्लाइट पकड़ने को भागता है, पर सिक्योरिटी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि गेट बंद हो चुका है, पर वो फिर भी जबरदस्ती अंदर जाने लगता है। तब सिक्योरिटी उसका बैग चेक करवाने को बोलते हैं। इरफान गुस्से में आकर बोल देता है कि इसमें बम नहीं है। ये सुनते ही इरफान को हिरासत में ले लिया जाता है और पूछताछ के दौरान उससे फिर से यही सवाल पूछा जाता है कि क्या वो रिलीजियस है। वो कहता है कि हाँ, वो रिलीजियस है और एक इंडियन मुसलमान है। इसी बीच उन ऑफिसर्स को ऑर्डर मिलता है कि इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस पर नजर रखी जा रही है। इरफान चेन्नई के लिए वहां से निकल जाता है। इसी बीच हैदराबाद की डोमेस्टिक एयरपोर्ट पार्किंग में एक ब्लास्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि ये ब्लास्ट इरफान के फोन से ट्रिगर हुआ है। अजय एक मीटिंग बुलाता है और इरफान को पकड़ने को बोलता है। इधर अनीशा इरफान के घर पहुंचकर सब कुछ चेक करने लगती है, और जैसे ही इरफान घर पहुंचता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इरफान को कुछ समझ नहीं आता कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, और देखते ही देखते सारे न्यूज चैनल्स पे इरफान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। पूछताछ करने पर वो अनीशा को बताता है कि उसका फोन गुम हो गया था। इसके बाद अनीशा उसे एक लिस्ट दिखाती है और बताती है कि ये उसी केमिकल्स की लिस्ट है जो उसने अप्रूव किया था, पर उसमें कुछ केमिकल्स चेंज हो गए। कोयम्बटूर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हैदराबाद से एसीटोन लिया गया, और वो भी लार्ज क्वांटिटी में, और इन केमिकल्स की जरूरत परफ्यूम में भी नहीं पड़ती।
इरफान को कुछ समझ नहीं आता। अनीशा कहती है कि इन्हीं दोनों केमिकल्स को मिलाकर ये बम बनाया गया था। दूसरी तरफ अशरफ, जो कि जाजी की केमिकल फैक्ट्री में केमिकल इंजीनियर होता है, उसकी एक सुपरमार्केट में हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इरफान को पुलिस टॉर्चर करना शुरू कर देती है और उससे अबू बकर अब्दुल्ला के बारे में पूछा जाता है, पर वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। उसकी माँ को घर से निकाल दिया जाता है, जॉब से निकाल दिया जाता है और बहुत बदनामी होती है। इन सब के बीच प्रार्थना उसकी माँ के साथ होती है और उसका सपोर्ट करती है। प्रार्थना मीडिया को ये भी बोल देती है कि वो इरफान की लॉयर है और वो उसका केस लड़ेगी। कुमारन उस सर्वर को हैक करने में कामयाब हो जाता है और वो बताता है कि अगर वो लोग एक कॉल या मैसेज करेंगे तो उनका लोकेशन भी पता चल जाएगा। इरफान की माँ और प्रार्थना इरफान से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर उन लोगों को अनीशा उससे मिलने नहीं देती और बहुत बुरा भला बोलने लगती है। इरफान की माँ ये सुनकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर अनीशा इरफान को उसकी माँ के बारे में बता देती है और कहती है कि अगर वो सब कुछ बता देगा तो उसकी माँ का अच्छे से ट्रीटमेंट होगा। इरफान मान लेता है कि वो ही अबू बकर अब्दुल्ला है और अपनी टीम के बारे में भी बताता है। ये बातें अजय के पास पहुँचती हैं तो वो इरफान को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने को कहता है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसको लेकर जा रहे होते हैं कि तभी वो उन पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस पूरे शहर में नाकाबंदी लगा देती है और इरफान के लिए शूट ऑन साइट का ऑर्डर भी दे देते हैं। अनीशा और गुना दोनों को लगता है कि वो अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल आएगा, इसलिए हॉस्पिटल में फुल सिक्योरिटी लगा देते हैं। इसके बावजूद इरफान हॉस्पिटल आता है और प्रार्थना से बात करता है। वो उसे बताता है कि उसे फ्रेम किया गया है और वो बेकसूर है। ये कहकर वो एक मोबाइल अपनी माँ के लिए देता है और कहता है कि इस फोन पर वो उसकी बात उसकी माँ से करवा दे। प्रार्थना ऐसा ही करती है और उसकी माँ उससे बात करते करते ही मर जाती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ को देखने पहुँच जाता है। कुछ पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद प्रार्थना इरफान के दोस्त विवेक से मिलती है और कहती है कि अगर वो ये प्रूव कर दे कि ब्लास्ट वाले दिन इरफान इंडिया में ही था तो इरफान बच जाएगा। तो विवेक बताता है कि वो उस दिन अर्चना से मिलने दिल्ली गया था, पर किसी के पास अर्चना का फोन नंबर नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि आईटीआई से अर्चना का नंबर निकालेंगे। दूसरी तरफ इरफान भागते भागते एक चर्च के पास आकर बैठता है कि तभी रियाज उसके पास आता है और उसे अपने साथ लेकर एक केमिकल फैक्ट्री पहुंचता है। वहां पर रियाज उसे बताता है कि उसका चीफ केमिकल इंजीनियर अशरफ मारा गया है और उसे इरफान की मदद चाहिए सरीन गैस बनाने के लिए। इरफान इसके लिए मान जाता है और तभी रियाज किसी को वहां आने के लिए मैसेज करता है। जैसे ही वो मैसेज भेजता है, कुमारन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो गुना को इसके बारे में बताता है। डॉक्टर जाजी फैक्ट्री पहुंचता है और वहां इरफान को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और रियाज से उसके बारे में पूछता है। साथ ही वो पुलिस को कॉल लगाने लगता है। इरफान उस पर हमला कर देता है जिससे डॉक्टर जाजी बेहोश हो जाता है। इस तरफ प्रार्थना और विवेक इरफान के कॉलेज जाते हैं और अर्चना के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस साल अर्चना नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। एनआईए ऑफिसर्स अजय को कॉल करके बताते हैं कि उन लोगों का एक ग्रुप जाजी की केमिकल फैक्ट्री के पास है। ये सुनने के बाद अजय समझ जाता है कि ये लोग सरीन गैस बनाने वाले हैं। इरफान सरीन गैस बना लेता है और रियाज उस गैस का टेस्ट जाजी पर करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अजय पीएम से मिलता है और सारी बात बताता है और कहता है कि एक मिसाइल ही उस फैक्ट्री को उड़ा सकती है, जिससे गैस फैले ना। पीएम इसकी परमिशन दे देते हैं और सारी पब्लिक को वो जगह खाली करने को कह देते हैं। अनीशा फैक्ट्री के अंदर जाती है, लेकिन उस पर कार्तिक हमला कर देता है और वो मर जाती है।
और ये पता चलता है कि कार्तिक ही अबू बकर है। इसके बाद कार्तिक अपनी स्टोरी बताने लगता है कि जब वो 12 साल का बच्चा था तभी उसकी माँ मर गई थी, तो वो काम करने या पढ़ाई करने के लिए सीरिया चला गया। वहाँ पर कार्तिक हैदर से मिलता है और कार्तिक अपना नाम बदलकर अबू बकर अब्दुल्ला रख लेता है। और पिछले 8 साल में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे इसमें उसी का हाथ है। इसके बाद कार्तिक अपने आदमियों को बुलाकर इरफान को मारने के लिए कहता है क्योंकि अब उसका काम खत्म हो गया है। इरफान उन सब को मार देता है। तभी अर्चना जो एक अंडरकवर पुलिस होती है वहां पर पहुंचती है और बाकी आतंकवादियों को मार गिराती है। इसी बीच कार्तिक लैपटॉप की मदद से गैस रिलीज कर देता है और लैपटॉप को तोड़ देता है। धीरे धीरे वो गैस शहर में फैलने लगती है। पुलिस आसपास के लोगों को हटाने लगती है पर फिर भी कुछ लोग मरने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। इरफान वो लैपटॉप अर्चना को देता है और खुद गैस टैंक के स्विच को ऑफ करने के लिए टावर पर चढ़ जाता है। इसी दौरान वो ड्रोन फैक्ट्री को उड़ा देता है और इरफान मर गया या जिंदा पता नहीं। अजय पीएम को मिशन सक्सेसफुल होने की बात बताता है। लास्ट में ये पता चलता है कि इरफान एक अंडरकवर एजेंट होता है और अजय ने उसे इस मिशन पे रखा हुआ होता है। अर्चना भी इसी टीम में होती है और समय समय पर अजय की मदद कर रही होती है। इरफान श्रीलंका गया हुआ होता है जिससे कि ब्लास्ट होने से रोक सके। अशरफ को अर्चना ने मारा होता है जिससे कि अबू बकर को एक इंजीनियर की जरूरत पड़े। हैदराबाद का ब्लास्ट अजय ने ही करवाया था जिससे कि दुनिया को ये पता चले कि इरफान ही अबू बकर है। अजय फिर इरफान का असली नाम बताता है, फैसल इब्राहिम राइज। और इसी तरह मूवी यहीं खत्म होती है।